अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर्फेक्ट लर्निंग टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.6 पढ़ेंगे। 18.6 का ये पार्ट वन होगा, जिसके अंदर हम लोग तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने मुझे वहाँ जाके मैसेज करना है। मैसेज क्या करोगे व्हाट्सएप पे, अपना नाम और अपना क्लास और मुझे क्या करोगे। जैसे मैसेज करोगे आपके पास लिंक शो हो जाएगी। आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो ना, आपने जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है और जब क्लिक करोगे तो आप क्या होगा, आसानी उसमें ऐड हो जाओगे। तो चलो और इस सवाल पर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वन है, इफ पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस शो डेट। मतलब हमें क्या करना है, इसे शो करना है, प्रूफ करना है। जहाँ शो डेट का लफ्ज यूज हो जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है, हमें प्रूफ करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। ठीक, तो इसमें कंडीशन लगी हुई है। आप शायद आप अभी न्यू स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि अगर मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज मालूम होना चाहिए, अगर मेरे पास ए रेशो बी है वो बराबर है किसके, सी रेशो डी के, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन। अपॉन करके इसमें क्या हो जाएगा, सी और किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो ए रेशो बी होगा और ये सी रेशो डी होगा। मतलब रेशो का मतलब क्या होता है, आपने एज अ अपॉन का निशान डाल देना, मतलब डिवाइड का निशान डाल देना है दोनों जगह। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें ये करना होगा कि हमें हर सवाल में इस एक्सरसाइज के 18.6 को सॉल्व करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, ए से मतलब क्या उसे बराबर ले लेंगे, उसे ऐसा करेंगे लेफ्ट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब के बराबर ये वाली वैल्यू है, मेरे पास क्या होगा, ए अपॉन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। उसी तरह से सी अपॉन डी भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो ए बी भी के बराबर और सी डी भी मेरे पास किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। अगर मुझे के मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की आ जाएगी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें इस सवाल को शो करना होगा और सवाल में देखेंगे हमें वैल्यूज क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसे रब कर दिया, चले आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना हो, शो चेक करना है। तो सबसे पहले लिखोगे प्रूफ, क्या लिखोगे, प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद जो सवाल होगा हम टू प्रूफ करने जा रहे हैं, जो सवाल होगा उसे क्या कर दोगे, वापसी रीराइट कर दोगे। तो मेरे पास क्या है, पी माइनस थ्री क्यू अपॉन थ्री पी प्लस थ्री क्यू इसके बराबर है ए आर माइनस थ्री एस अपॉन ए आर प्लस थ्री एस। ठीक है, थ्री एस। तो ये मैंने इसी सवाल को क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। बस कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा छुट्टियों में। बस हमें कंडीशन देखनी होगी कि सवाल में कंडीशन क्या लिखी हुई है। लिखा है पी रेशियो क्यू किसके बराबर है, आर रेशियो एस के, देन शो दैट। हमें क्या करना होगा, हमें शो करना होगा कि ये है किसके बराबर। मैंने आपको बताया था ना, ए रेशियो बी बराबर होता है बी रेशियो सी के, तो के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे हमें मालूम है कि पी रेशो क्यू किसके बराबर है, आर रेशो एस के। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू बराबर है आर अपॉन एस के, हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास सवाल में कंडीशन दी हुई कि आपने क्या करना है, आपने उसी कंडीशन को फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे ए बी करके दिखाया था, तो मैंने इसको आर एस करके दिखा दिया, कोई मसले की बात नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस किसके बराबर है, के बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, के बराबर ले लिया। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं फाइंड आउट। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पी अपॉन क्यू की वैल्यू एक दफा के लिखा जाएगी और यहीं पर आर अपॉन एस की वैल्यू क्या लिखा जाएगी, एक दफा के लिखा जाएगी। क्यू नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरे कैमरे में नीचे के हिस्सा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू कैसे आएगी, पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी किस तरह से, पी यहीं पर रहेगा और नीचे दिमाग में वहां जाएगा क्या जाएगा, क्यू के हो जाएगा। ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू के आ गए और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर चले जाएगी एस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एस के हो जाएगा।
यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल, मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो मैंने पी की वैल्यू और आर की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। क्या लेना होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बोर्ड के पेपर में कोशिश किया था बच्चों कि आप पूरा लिखा करो इसके, मतलब ऐसे मत लिखो LHS और LIHS, तो इस नॉट दैट गुड, ठीक है, अच्छी अच्छी बात नहीं है। आप पूरा लिखा करो और क्या करना है, इसको आगे चलना है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, मेरे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, एट माइनस थ्री ए पी माइनस थ्री क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री पी प्लस थ्री क्यू। ठीक है, जो वैल्यू थी मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली वो लिख दी। अब हमें मालूम है ना, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि p की वैल्यू क्या है, q के, और r की वैल्यू क्या है, s के। तो जहां जहां p होगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे कि q के पुट कर देंगे, और जहां जहां r होगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे, s के। हम लोग क्या लिखेंगे, putting the value of कौन सी वैल्यू, r किसके बराबर है, p मेरे पास किसके बराबर है, p मेरे पास बराबर है q के, मतलब q के, n आर बराबर है मेरे पास इससे एस के, तो मैं क्या ले लूंगा, एस के। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्टीन की वैल्यू कर रहा हूँ, जहां जहां पी है वहां क्यू के, और जहां जहां आर है वहां एस के। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक, तो क्या करते हैं, ए लिखा, पी की जगह क्या हो जाएगा, पी की जगह मेरे पास आ जाएगा क्यू के, तो मैंने क्यू के लिख दिया। उसी के साथ साथ बीच में माइनस का निशान है, माइनस का लगाया, थ्री लिखा, थ्री लिख दिया, और क्यू की जगह कोई वैल्यू मुझे दी नहीं गई, तो मैं क्यू की जगह क्यू को वैसे ही रहने दूंगा, इसमें कोई चेंजेस हम कर ही नहीं सकते। नीचे आ जाते हैं, नीचे में क्या लिखा, थ्री पी लिखा था, मैंने थ्री पी लिख दिया, थ्री लिख दिया, और पी की जगह क्या आ जाएगा, पी की जगह आ जाएगा मेरे पास क्यू के, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू के लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे क्यू के, और यहाँ पे देखो माइनस थ्री क्यू हो जाएगा, प्लस थ्री, सॉरी प्लस थ्री, मैंने प्लस थ्री कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, इसको साथ से मिलाकर लिख लो ताकि हम आराम से कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा, एट क्यू के माइनस थ्री क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री क्यू के प्लस थ्री क्यू। यहाँ तक भी मस्त की बात है, नहीं ना, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है, एक क्यू यहाँ से भी आ रहा है और एक क्यू यहाँ से भी आ रहा है, तो मैं क्यों ना क्यू को कॉमन ले लूं। तो मैंने जैसे ही क्यू को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, इस क्यू से ये क्यू बना लो, मेरे पास क्या बचा, ए बचा, और क्या बचा, के बचा, क्योंकि हमें कॉमन लेना सीख चुके हो, लाइन चार्ट में पूरा ब्रीफली पढ़े हैं कि कॉमन किस तरह से लेते हैं। तो दोनों से क्यू कॉमन है, क्यू लिया कॉमन, तो क्यू से क्यू करो, तो मेरे पास क्या बचा, ए बच गया, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस इस क्यू से ये क्यू करो, तो मेरे पास क्या है, थ्री क्यू, थ्री बच गया। उसी तरह से नीचे वाली ट्रंक को भी देख लेते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन क्यू आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, थ्री बच जाएगा, Q से Q करता तो K बच गया, प्लस का निशान वैसे ही होगा, Q से Q करता तो मेरे पास क्या बच गया, थ्री बच गया। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना, अभी हमारा सॉल्व होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इस Q से ये Q कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एट के माइनस थ्री अपॉन थ्री के प्लस थ्री, तो मेरे पास एक ये वाली वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। अब यही वैल्यू को मुझे कहाँ लेकर आना होगा, मुझे राइट हैंड साइड लेकर आना होगा। तो चलो इसको राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग, इस सवाल को मैं इस सवाल को करवाता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में मेरे पास ये वाली वैल्यू है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, क्या लिखा मेरे पास, आर है ए आर, क्या लिखूंगा, ए आर माइनस थ्री एस, नीचे क्या आ जाएगा, ए आर प्लस थ्री एन, तो ए आर प्लस थ्री एस, थ्री है मेरे पास, तो मैंने वही चीज लिख दिया। अब हमें मालूम है कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू एस के है, तो जहां जहां आर की वैल्यू होगी वहां वहां पुट कर देने। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया था, बी बराबर क्यू के, आर बराबर एस के है, तो हम डायरेक्ट ही पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आर मेरे पास किसके बराबर है, आर मेरे पास बराबर है एस के, ठीक है, माइनस थ्री एस, एस की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस के, और क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एस। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले एट एस के को साथ लिख दो, ठीक है, एट लिखा, एस लिखा, और के को साथ लिख दिया, प्लस थ्री एस लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा एट आएगा, तो ये भी एस के हो जाएगा, माइनस ये क्या था, ऊपर वाली टर्म मेरे पास माइनस थ्री को, माइनस लिखो, नीचे वाली टर्म प्लस थ्री एस। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी,
तो क्या हो जाएगा, एस कॉमन आया तो मेरे पास एक के बचा माइनस थ्री बचा, और यहाँ से भी एस कॉमन आया तो क्या बचा, एक के बचा और प्लस थ्री बचा। एस से एस कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या बचा, एक के माइनस थ्री, और नीचे क्या आ गया, एक के प्लस थ्री। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की सेम वैल्यू आए, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब हमने आंसर निकाला है वो तो सही है। तो आंसर में लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसके राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। कितने अच्छे से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हैंस क्या लिखोगे, प्रूफ। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले क्वेश्चन को जो वहां लिखा था उसको यहीं पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, बहुत आसान से सवाल ये भी, मैं नीचे वाली टर्म को तो मिटाया नहीं हूँ क्योंकि इसी काम को हमें दोबारा करना होगा क्योंकि कंडीशन क्या है वही है। तो मैंने पी क्यू और आर एस के की वैल्यू को मैंने वही सेम रखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, थ्री क्यूब रूट ऑफ पी क्यू प्लस आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब किसके बराबर है, पी अपॉन क्यू के, ठीक है, इन दोनों के बराबर है। तो उसके बाद मैंने पी का जो वो था जिस तरह से हमने इससे पहले सवाल में किया था तो वही चीज लिख दिया, उसके बाद इन दोनों को के बराबर ले लिया और के की वैल्यू, पी की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने क्या कर लिया, इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब चलो आगे क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, थ्री लिखा है और इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है, पी का क्यूब, ठीक है, पी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा प्लस आर का क्यूब अपॉन क्यू का क्यूब, तो लिखूंगा टू का क्यूब और प्लस एस का क्यूब, ठीक है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, जहां जब हम पी की वैल्यू है और एस की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, करना पुट कर देंगे। तो लिखोगे पुटिंग The value of, इसकी वैल्यू देखते हो, देखो मुश्किल से लग रहा होगा, कैसा अजीब सा सवाल है, हम लोग कैसे लाएंगे, ये क्या लिखा हुआ, अजीब सा लिखा हुआ, यहाँ तो सिर्फ पी क्यू लिखा हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, हो जाएगा हमसे सॉल्व। तो मेरे पास क्या है, पुटिंग की वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है मेरे पास क्यू के, तो क्यू के एन, और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू क्या है, आर नीचे देख लो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्यू की जगह क्यूब लगा दूंगा, और मेरे पास आर के है तो आर के साथ भी तो वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी एस, एस के साथ भी तो वैल्यू है, एस के साथ क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा, जैसे सवाल में लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो मैंने इस पर ऐसे ही रखा और क्या करना है मुझे, मुझे क्या करना है, मुझे क्यू क्यूब करना, तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब हो जाएगा और के क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब वैसे ही आ जाएगी, प्लस हो गया एस के साथ क्यूब, एस क्यूब और के क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, एस का क्यूब आ जाएगा। अब देखो जो चीज मेरे पास कॉमन है ना, हम उस कॉमन चीज को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो मेरे पास बाहर क्या चीज आ जाएगा, कॉमन चीज मेरे पास बाहर आ जाएगा, इसमें से के क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, के क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। देखो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज क्या है, सेम है, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट करा। जैसे ही मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा थ्री क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यूब, ठीक है। जब भी याद रखो, जब भी क्यूब लगा हुआ हो और अंदर क्यूब रूट की वैल्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब से क्यूब को काट देते हैं। तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, मेरे पास सिंपली क्या आ गया, के बच गया। अब देखो आप बोलोगे मेरे पास तो के आ गया सर, अब के तो मेरा आंसर होना ही नहीं चाहिए, मेरा तो आंसर होना चाहिए पी अपॉन क्यू। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको सॉल्व करा, लेकिन के वैल्यू आ रही है, नहीं बेटा हमें मालूम है कि मेरे पास के की वैल्यू क्या थी, हमने दोनों क्या था, के बराबर है पी क्यू के, हमने लिखा था के बराबर है किसके, पी क्यू के। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि के किसके बराबर है, पी अपॉन क्यू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन क्यू। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हुई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। इतना आसान सा सवाल था और ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
लाइट के इशू की वजह का क्या करना पड़ा मुझे, ये दोबारा यहाँ पे बोर्ड को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा है, ठीक है। तो लाइट का इशू था तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बना दे रहा हूँ, लाइट चली गई थी, तो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है इसको, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, वही काम है हमारे जो कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी मेरे पास कि आपके पास आपने लेट करना होता है कि पी क्यू जो है, और मेरे पास और क्या था, आर एस था ना, आर एस किसके बराबर है, के के बराबर है, हमने बोर्ड में इसको लिखा था। तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के के। उसी तरह से आर अपॉन एस किसके बराबर हो जाएगा, के के। तो मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी क्यू के, ठीक है। और उसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एस के। दोबारा लिखवा दिया मैं इसको ताकि मेरे सामने लिखा हुआ और आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे जो सवाल लिखा हुआ, उस सवाल को लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, ठीक है, रेशो p क्यूब p प्लस q, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, रेशो r क्यूब अपॉन r प्लस s, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, मैंने लिख दिए। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या लाना है, इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होना है हमारे पास। तो इसमें आगे क्या हो रहा है, मुझे मालूम है रेशो का मतलब क्या होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सबसे बड़ा डालूंगा क्योंकि यहाँ पे एक रेशो, रेशो का निशान का क्यू आ रहा है, फिर पी क्यूब आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना, हमें मालूम है जब भी तीन टर्म लिखी हुई हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इस डिवाइड के निशान को हटा के मल्टीप्लाई का निशान डालते हैं। जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर आ जाती है, जो ऊपर वाली टर्म होती है वो कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ किस तरह से, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई का निशान डाला, ये ऊपर आ गया तो क्या आ गया, रेसिप्रोकल हो गया पी अपॉन क्यू, और नीचे क्या आ गया, पी का क्यूब। मैट का कॉन्सेप्ट होता है ना, जब भी नीचे वाली टर्म क्या होती है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली टर्म नीचे ही रह जाती है, और इसके नीचे वन छुपा हुआ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर, क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, पी प्लस क्यू से, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, पी का क्यू, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सिंपल से ही है, यहाँ तक तो कोई ख़ास चीज़ हमने किया भी नहीं है। अब क्या करना होगा हमें, अब करना होगा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो चलो आ जाओ, पी को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी का क्यूब हो गया, बेस सेम पावर एड, फिर पी को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर क्यू हो गया, फिर क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर प्लस पी, क्यू स्क्वायर पी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का निशान डलेगा, ठीक है। और फिर क्यू क्यू जा क्यू का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, पी का क्यूब वैसे ही रहेगा। हमें मालूम है कि पी क्यूब किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, ठीक है। पी किसके बराबर है, क्यू के, जहाँ जहाँ पी है वहाँ क्या क्या पुट कर दो, क्यू के पुट कर दो, क्योंकि अभी हमने वैल्यू निकाली थी। तो निकाल देते हैं, क्या लिखेंगे, पी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू के, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, प्लस पी की जगह क्या लग जाएगा, दोबारा से क्यू के लग जाएगा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। और क्यू को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू है ही नहीं, क्यू की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, क्यू के, तो क्यू के लिख दिया। और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्यू का क्यूब, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यूब है तो क्यू के का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्यूब इसके साथ भी, तो के का क्यूब और क्यू का क्यूब और के का क्यूब, क्यू क्यू जो क्यू का स्क्वायर है और के का स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू से, और क्यू का स्क्वायर जब क्यू से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया मेरे पास, क्यू क्यूब हो गया और के हो गया, और उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस क्यू का क्यूब वैसे लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू क्यूब और के क्यूब। और सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद, क्यू क्यूब के क्यूब वैसे ही रहेगा, क्यू का स्क्वायर और फिर क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब के स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब के प्लस क्यू का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू क्यूब और के क्यूब। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास कॉमन आ रहा होगा उसको हम लोग निकाल लेना होगा। इस पूरी टर्म से मेरे पास क्यू का क्यूब कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, क्यू का क्यूब कॉमन ले लिया, और जो चीज़ बच गया मेरे पास
वो लिख दूंगा, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब बचा था कि मेरा के 3 बचा प्लस के का स्क्वायर बचा प्लस के बचा और प्लस 1 बचा, क्योंकि क्यू से क्यू का था तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा। उसी तरह से नीचे आए थे, इन दोनों में से भी क्या कॉमन है, मेरे पास क्यू क्यू भी है, कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कटा ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, के 3 प्लस के स्क्वायर प्लस उसके बाद प्लस आ जाएगा प्लस 1 पे स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा के का क्यू। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इसी वैल्यू को सेम लेकर आना होगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं, लिख देता हूँ ये वाली जो वैल्यू है आर स्क्वायर था और उसके बाद क्या था मेरे पास प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और रेशो लगा हुआ है इसमें, रेशो किसके साथ लगा हुआ है, रेशो लगा हुआ है आर क्यूब प्लस आर एस के, आर क्यूब प्लस आर प्लस एस के। ठीक है, यही है ना, ये सवाल मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख भी देना टेकिंग राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पूरा लिखा करो, बोर्ड में फ्री नंबर मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो कैसे हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है सेम उसी तरह से करना जो अभी हमने करा है, प्लस एस का स्क्वायर, रेशो की जगह क्या आ जाएगा आर क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा आर प्लस एस। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो कैसे हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी तो आर प्लस एस और नीचे क्या आ जाएगा आर का क्यूब, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर और आर प्लस एस और नीचे क्या आ जाएगा आर का क्यूब। आ जाओ, आर स्क्वायर आर से क्या होता है आर का क्यूब, फिर यही आर स्क्वायर एस से क्या होता है आर प्लस का निशान आर स्क्वायर एस, उसी तरह से ये एस स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर आर, यही एस एस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा एस का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा आर का क्यूब। हमें मालूम है कि आर की वैल्यू क्या होती है एस के, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो एस और के पुट कर दो, तो सिंपल आ जाएगा आर की जगह क्या आ जाएगा एस के का क्यूब प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एस के का स्क्वायर प्लस इसका एस अंदर ही रहेगा प्लस हो जाएगा फिर एस के एस का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, आर किसके बराबर हो जाएगा फिर से एस के बराबर हो जाएगा प्लस एस का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा एस क्यूब ही रहेगा, क्योंकि एस की वैल्यू नहीं मालूम, हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू मालूम थी और आर दोबारा क्या हो जाएगा एस के का क्यूब हो जाएगा। तो देख लो कैसे सॉल्व होगा, एस का क्यूब के का क्यूब ये इससे मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा एस का क्यूब फिर के का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा एस का क्यूब क्योंकि एस स्क्वायर से एस स्क्वायर एस का क्यूब और फिर के हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा एस का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा एस का क्यूब और के का क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेकर आएंगे वैल्यू इसमें से एस कॉमन ले लेंगे एस क्यूब, तो एस क्यूब कॉमन आएगा तो क्या होगा के क्यूब, ये भी कटा तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर, ये भी कटा तो क्या हो जाएगा के, ये भी कटा तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा एस क्यूब, ठीक है क्या आ जाएगा एस क्यूब प्लस के का क्यूब, प्लस नहीं होगा ठीक है बस के क्यूब, ये कटा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो आ गई के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के का क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गए। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिख देना वही लेट करके, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, लेट बराबर है पी क्यू बराबर होता है आर एस बराबर होता है किसके के, तो पी बराबर होगा किसके पी क्यू बराबर होगा के, जबकि आर अपॉन एस बराबर होगा के, तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू के, ठीक है और उसी तरह से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एस के। तो हर जगह लिखना है ये लेट करके हर सवाल में, ठीक है। अब लिखोगे टू प्रूफ, हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि पी फाइव प्लस आर फाइव रेशो क्यू फाइव प्लस एस फाइव बराबर है पी क्यूब आर स्क्वायर के बराबर है क्यू क्यूब आर स्क्वायर के, ठीक है इन दोनों के बराबर लेकर आना है। तो देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले टेकिंग क्या लोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं ताकि उसकी वैल्यू निकाल सकें, तो पी फाइव प्लस आर फाइव रेशो क्यू फाइव प्लस
एस फाइव, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। तो पी फाइव प्लस आर फाइव डिवाइड बाय क्यू फाइव प्लस एस फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस फाइव आ जाएगा। अब मेरे पास ये डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, इन तमाम की जगह मुझे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को पुट कर देना होगा। पी फाइव की जगह क्या आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, क्यू के, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ऊपर फाइव आ जाएगा। और आर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आर की वैल्यू मेरे पास है एस के, तो मैं एस के लिखूँगा और इसके ऊपर क्या लिख दूँगा, फाइव लिख दूँगा। नीचे आते हैं, क्यू फाइव और आर फाइव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्यू फाइव लिखूँगा। तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह क्यू फाइव ही रहेगा, प्लस एस की जगह क्या रहेगा, एस फाइव ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो गए पावर में, ठीक है। ये ऊपर के साइड है पावर में, देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसी के ऊपर पावर में। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू फाइव आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, के फाइव आ जाएगा, के की पावर फाइव, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, एस फाइव, और क्या आ जाएगा, के फाइव, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू फाइव प्लस एस फाइव, ठीक है, क्यू फाइव प्लस एस फाइव। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक दूसरे के बराबर लेकर आना है ना। तो बराबर लेकर आने का तरीका क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास के फाइव आ रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, के फाइव कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, क्यू फाइव प्लस एस फाइव, ठीक है। और उसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा, क्यू फाइव प्लस एस एस फाइव, देखो इस टर्म से ये टर्म कटे, तो मेरे पास क्या आ गया, के फाइव आ गया। तो क्या आ गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में के फाइव आ गया। तो आप राइट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। राइट हैंड साइड में मेरे पास जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं जल्दी से ऊपर के साइड। तो मेरे पास क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में बस क्या है, पी का क्यूब आर का स्क्वायर रेशो क्यू का क्यूब एस का स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, इसको लिखना होगा उस फॉर्म में, आर का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मेरे पास क्यू का क्यूब एस का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे मालूम है कि पी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, क्यों क्यू के का क्यूब हो जाएगा, और आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस के, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और क्यू क्यूब और एस स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब के क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एस एस के स्क्वायर और के स्क्वायर से, ठीक है, यही है ना, इसके अलावा तो कोई और दूसरा चीज़ था ही नहीं। तो ये लिख दिया, और नीचे क्यू की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो क्यू क्यूब वैसे ही लिखेंगे और एस का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे पास है और निशान के का क्यूब, सॉरी इन दोनों में से मेरे क्या हो जाएगा, के का के थ्री है और के टू है, तो दोनों प्लस हो, तो के फाइव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब और एस का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के को थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख दूँ, और इन दोनों को ऐसे लिख दूँ, क्यू क्यूब एस स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाए, क्यू क्यूब एस स्क्वायर। तो ये टर्म कटी, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था, फाइव, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया, फाइव आया। क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर थ्री को किया था। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको, इतना कोई ज़्यादा आगे नहीं चलता हूँ। पी माइनस क्यू लिखता हूँ, नीचे लिखा गया पी, रेशियो है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने नॉर्मल तरीके से करना है। तो पी प्लस क्यू लिख दिया, ठीक है, इस मल्टीप्लाई का निशान, इस डिवाइड के निशान को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा, और ऊपर वे टर्म नीचे, और नीचे वे टर्म ऊपर हो जाएगी। तो पी माइनस क्यू वैसे ही लिखाएगा, पी ऐसा ही लिखाएगा, मल्टीप्लाई का निशान डालेगा, यह टर्म ऊपर आ गई, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, p और q, क्या आ जाएगा, p q आ जाएगा, तो मैं p q लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ ये वैल्यू हो गए ना, उसकी वहाँ वहाँ वो वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। चाहो तो इसको फार्मूला में बंद करके भी कर सकते हैं, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर करके, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, बीच में माइनस का निशान है, तो फार्मूला में क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा,
ये टर्म क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। चलो फार्मूला में क्लोज ही कर लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी में आया हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, पी और क्यू आ जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू के, क्यू के का स्क्वायर माइनस का निशान क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, क्यू की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू का स्क्वायर ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे पी और आर की वैल्यू मालूम है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, पी की जगह क्यू के आ जाएगा, तो क्यू के लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, शायद आपको नज़र नहीं आएगा, फिर से बता देता हूँ। इन दोनों की जगह क्या करा, इन दोनों की जगह ये लिख दिया, फार्मूला में क्लोज कर दिया, ये पी क्यू है। फिर पी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, क्यू के आ गया और स्क्वायर आ गया, माइनस क्यू की जगह क्यू आ गया, पी के, पी की जगह फिर क्यू के आ गया और क्यू आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि पी की वैल्यू क्या होती है, क्यू के। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो क्यू का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर, बल्कि नीचे लिख देता हूँ, इस साइड आके लिख देता हूँ, क्यू का स्क्वायर था तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, इसको यूँ कर लेता हूँ, पढ़ ले जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा क्यू का स्क्वायर और k का स्क्वायर। ठीक है, q का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा q का स्क्वायर और k। किस तरह से देख लो, इन दोनों को कर दिया q का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, q का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आ जाओ, अब क्या करना होगा हमें, हमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, q का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो q का स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है k स्क्वायर माइनस वन, और नीचे क्या बच रहा है मेरे पास, q का स्क्वायर है, तो q का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, k ऐसे रहेगा, ये कट है ये कट है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, k का स्क्वायर माइनस वन अपॉन k। तो मेरे पास एक तो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की ये आई है, राइट हैंड साइड के भी आपको सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, किस उसी तरह से इस लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर रहे हैं, और देख लेना कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो r माइनस s लिखा, r लिखा, डबल रेशियो है तो बड़ा सा डाला, फिर s लिखा और r प्लस s लिख दिया। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल करूँगा जैसे कर रहे थे हम लोग, तो r माइनस s हो जाएगा और r हो जाएगा और मल्टीप्लाई का निशान, तो क्या आ जाएगा, r प्लस s हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, क्योंकि ऊपर और ये नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा, r माइनस s और r प्लस s, और नीचे क्या आ जाएगा, आर एस। हमें मालूम है कि ये फार्मूला में क्लोज होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, r का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर एस, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एस के, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एस के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एस के, और इसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे s का स्क्वायर था तो s का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास आर एस लिखा हुआ है, तो r की जगह एस के, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, s लिखा हुआ, तो s ही लिख दिया। देखो r के था तो मैंने r के, इसके जगह क्या लिख दिया मैंने, देखो ये जो टर्म है ना, इसकी जगह मैंने यहाँ लिखा एस के लिखा, इसको एस ही लिख दिया, r की जगह दोबारा एस के लिखा है। ठीक है, तो वही काम किया है यहाँ पे, जो हमने इधर साइड किया था, लेफ्ट हैंड साइड किया था। तो क्या करेंगे, s का स्क्वायर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर और s आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, s का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्योंकि s एस एस स्क्वायर, तो इन दोनों में से s का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, k स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि s से s कट रहा है तो माइनस वन हो रहा है, s से s स्क्वायर से स्क्वायर कटा, और ये क्या लग जाएगा, s स्क्वायर और k, ये कटा ये कटा, तो मेरे पास क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस वन अपॉन k। काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो गई है और मेरा हाथ भी दर्द हो गया था, तभी मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन पर क्लिक कर दो, इसके सेकंड पार्ट हम दूसरे पार्ट में कर देंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन।